पंजाब की गायकी में लचरता, नशे और हथियारों की बात करने वाले लोगों पर शिकंजा कसने के लिए पंजाब सरकार ने एक कमीशन का निर्माण किया है, जिसमें ऐसे गीतों को बढ़ावा देने वाले लोगों पर मामला दर्ज किया जाएगा। सरकार के इस फैसले को जिला संगरूर के लोगों ने अच्छा कदम बताया और इस फैसले में सरकार के साथ साथ पंजाबी गीतकारी के बाबा हो बोहड़ जरनैल घुमान को बधाई का पात्र बताया। संगरूर से विनोद कुमार गोयल, आजाद टीवी न्यूज। सरकार ने कमीशन बनाया जी गायकी के संबंध, ये बहुत ही सरकार का सलांघा योग कदम है। परंतु इतने मैं एक गल कह कि जे ये कमीशन थोड़ा समा पहला बनाया जाता सूँ बड़ी लोड़ सी इनकी, जो रौला पा रहे थे जोड़े साढ़े नौजवान मावं तो पुत्र इन हथियारों की नुमाइश के नाल चले गए हैं, शायद वो मावं अपने पुत्रां तो वांझियां ना होंदिया। तो इन मैं एक बधाई देना साढ़े दृढ़ एग्जाम्पल जरनैल घुमान, जिन्होंने इस वास्ते बहुत वड्डा योगदान पाया है। लच्चर गायकी के संबंध में कमीशन बनाया गया, ये बहुत ही सलाघा योग कदम है पहली गल। तो नंबर दो, जेकर यह जिहड़ा कमीशन बनाया है, जे ये अज तो काफ़ी साल पहला बनाया हुंदा तां बहुत वधिया हुंदा, क्योंकि जिहड़ी नौजवान पीढ़ी है हो सकदा वह ना विगड़ती, क्योंकि अजकल देखिए अपने नौजवान हथियारों के उपर जिहड़े गीत ने उन्होंने लैके जाते हैं, डीजे उपर नचते हैं, बहुत सारे जिहड़े कि कुड़ियां मुंडे ऑर्केस्ट्रा वाले बहुत मारे गए हैं, हो सकता है उन्होंने जान जी है बच सकती सी जेकर एक कमीशन पहला बनाया जाता। चलो कोई गल नहीं, पर हूँ बनाया है सरकार ने, हूँ भी वधिया गल है, जेकर इन अमली जामा पहनाया जाए तो ज़्यादा वधिया। कमीशन बने बहुत वधिया बने, ये अज तो 10-15 साल पहला बन जाना चाहिए थी। जो नौजवान पीढ़ी है वो अजक सीध लैके चल रही है, कोई गीत ला लो, कोई फिल्म ला लो, कोई भी लैक्चर ग्रेडी ला लो, नौजवान पीढ़ी उस तरफ चल चल पैंती है। पर जो अच कदम चुके सरकार ने, यह बहुत सलाघा योग कदम है, असं यदा बहुत बहुत सत्कार करते हैं। ये अगे तो भी पूरी सफाई रहनी चाहिए है, तो ही कम चल सकता है।